तो भाई लोग कैसे हो सबके सब, तो हाई पॉप से बच्चे होंगे। तो आज मैं फिर से आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके, तो आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है रेसिंग रफ्तार। तो आज मैं फिर से बात करने वाला हूँ माइनक्राफ्ट के बारे में। हाँ भाई, तो आज आपके लिए लेके आऊँ एक ऐसे मजेदार मैप। तो क्या बात करते हो यार, ये क्या मैप है, बहुत ही अलग है, बहुत ही मजेदार मैप है। तो आज के वीडियो को पूरा जरूर देखना ताकि आप इसके बारे में पूरी डिटेल पाओ यार ना। ओनली अगर आप इसको डाउनलोड कर जाते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कीजिए, अपना काम कीजिए ना। और भाई इस मैप को अभी लाइक कर दीजिए, मैप के लिए लाइक मांग रहा हूँ यार, अपने वीडियो के लिए नहीं। तो भाई इस मैप का नाम है भाई, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैप है, देखो डे एज अ विलेजर। हाँ भाई, डे एज अ विलेजर। तो आप सभी को 7 डेज या फिर 15 डेज है ना, कुछ ऐसे निकालने होते हैं। 50 डेज में अपने साथ बोल रहा हूँ, इसमें नहीं होता, इसमें बहुत जल्दी होता है डे, आप सभी को पता होगा यार ना। तो ए 1 डे मान सकते हो आप इसको ना। देखो यहाँ से स्टार्ट द जर्नी हो रहा है ना, देखो इसको लिखा रूल्स, स्टे इन सर्वाइवल, ओनली 1 प्लेयर इज रिकमेंड। ओ भाई, हैव फन एज विलेजर। तो यहाँ पे क्या लिखा है, रेंडर डिस्टेंस, ओके। तो भाई देखो ना, इसमें क्या होता है आप सभी को ना, विलेजर है ना, उसकी लाइफ को जीना होता है। तो डे एज अ विलेजर ना, आपको विलेजर की जॉब मिलती है। जॉब तो क्या है ना, आपको विलेजर बना दिया जाता है, समझ लो आपको ना, आपको विलेजर बना दिया जाता है और आपको विलेजर की ज़िंदगी जीनी होती है। इसमें विलेजर की लाइफ है ना, वो जीनी हो गया है। तो उसकी ज़िंदगी में क्या क्या होता है और क्या क्या करता है वो, आपको भी करना होगा। और सबसे बड़ी बात, आपको अपने हथियार कुछ बनाने हैं, टूल्स बनाने ना, और फिर अपने विलेज की वो करनी है भाई, सुरक्षा करनी है। किससे? विलेजर से भाई, जो आपसे को रेड डालेंगे ना और आपसे को मारने की कोशिश करेंगे। तो मैं जर्नी शुरू करते हैं, देखते इसमें मैं जहाँ खा रहा हूँ अभी। ओ डे इज अ विलेज सर, ओके मैं यहाँ पे आ गया हूँ। ओ ये मेरा घर है, ओके। देखो मैन ऑब्जेक्ट देर इज रेड इन द नेक्स्ट 7 डेज, यहाँ देखो कुछ लिखा है, पढ़ लेते हैं ना। देर विल बी रेड इन द नेक्स्ट 7 माइनक्राफ्ट, यू जो इज द प्रिपेयर योर सेल्फ विद सम वेपन्स आर्मर एंड सम टूल्स, देर थ्री रेड स्पेस, इफ ए विलेजर डाई यू लॉस, सो कीप आईज ऑन विलेजर एंड डू नॉट लेट अ विलेजर डाई सो यू कैन विन द मैप। तो इसका मतलब ये है ना कि कोई भी विलेजर है ना, अपन का मरना नहीं चाहिए। अगर कोई भी एक भी विलेजर मर गया ना अपन का, तो भाई फिर तो खल्लास गेम पूरा ना, फिर शुरू से आपसे को प्ले करना होगा। तो एक भी विलेजर यहाँ से मरना नहीं चाहिए। क्या है देखो, यहाँ से चेस्ट को खजाना रखा है, यहाँ पर लिखा भी, देखो क्या, सीक्रेट टू नो टच यूज अनलेस यू आर ए विलेजर। भाई ओके ओके यार, भाई मान गया तेरी बात यार, रात हो रही के बाहर, ओ भाई रात है यार। तो यार चलो, अपना दादा भी अपने साथ है और यहाँ से देखो विलेजर भी इसके अंदर बैठा है एक। तो यार मैं भी विलेजर हूँ क्या, एक बार मैं ना थर्ड सेकंड पर्सन करके देखता हूँ भाई। ये मैप भी कुछ अलग है यार ना, और विलेजर की ज़िंदगी कैसे जिए यार अपना ना। अगर आप जीना चाहते हो इस मैप को प्ले करो यार, विलेजर कैसा दिखता है, क्या क्या करता है अपनी ज़िंदगी में, वो कमाल है, कमाल है। कुछ तो करता होगा ना यार, फ्रॉन्ट देखेंगे हम इसका ना। ओके मैं चेंज नहीं हुआ, मतलब मैं विलेजर नहीं बना, तो स्किन भी चेंज होनी चाहिए थी यार, ये तो गलत है यार, दिस इज नॉट फेयर यार। स्किन भी हमारी चेंज करनी चाहिए थी, मज़ा नहीं आ रहा मेरे को बिल्कुल, अच्छा ना, या फिर इस अपडेट की वजह से हुआ नहीं, पता नहीं यार। यहाँ से मेरे को कुछ ज़्यादा पता नहीं इसके बारे में, इस बोर्ड पे कुछ लिखा है क्या, ओके लिखा है मटेरियल ट्रेडर, ओके यहाँ से हम कुछ ले सकते हैं इससे। और यहाँ से इन विलेजर का घर है, तो वही भी ओए बच्चे सो रहे यार, बच्चे यार, तीन तीन बेड लगा रखा है लोंडों के लिए भाई। कोई बात नहीं यार, अपने ही बच्चे, अपना अगर हम ही विलेजर है तो अपने होंगे ना बच्चे यार, क्या करता हूँ यार। क्या लिखा है, फार्मर हाउस, तो ये किसान का घर है, फार्मर हाउस है ये, ओके। काफ़ी सारे बंदे सो रहे हैं यार, तो सोने देते हैं इनको। इसके अलावा ये वाला रूम किसका है, स्टोन कटर जॉब, ओके इसको स्टोन कटर की जॉब मिली है। तो मेरे को कौन सी जॉब मिली यार, मेरा घर है उसके पास में, कुछ लिखा था क्या, मेरे को देखना चाहिए एक बार, मेरे को नहीं लगता उस पर कुछ लिखा था, या फिर मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर मैंने पढ़ा नहीं, एक बार और देख लेता हूँ। नहीं नहीं देखो, मैंने पता था मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, ओके। यहाँ पे एक और चेस्ट रखी, इसके अंदर क्या है, वो सीड्स लगे तो इनका ना यूज़ कर सकते हैं अपन, ओके यार इनका यूज कर। ये क्या है भाई, ये प्लेटफॉर्म क्यों बनाए यहाँ पे इतना बड़ा सारा, इसके ऊपर चढ़ने की कोई जगह है क्या, फिर ऐसे ही बना, ओके यहाँ चढ़ सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये क्या रेड डालने के लिए बनाया गया यहाँ पे, ओके यहाँ पे गड्ढे हैं, गड्ढों में क्या है, तो यहाँ तो वो लगा रखा है जो रोशनी करते हैं ना, उसका नाम मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, पता नहीं किस काम आता होगा ना, कुछ काम का। तो
देखो अपना चचा नहीं, चचा नहीं, दादा ही अपना दादा, ये विलेजर की मेरे को क्या जरूरत है यार, यही सुरक्षा कर लेगा इनकी तो यार, किसी को पास भी नहीं बैठने देगा ये, इतना खतरनाक आदमी यार ये। यहाँ पे कौन है? तो यहाँ पे एक विलेज हो रहा है, इसकी चेस्ट है वो, इसमें भी सामान भर के रखा है इसने, लौंडे ने यार, तगड़ा भाई तू तो तगड़ा। देखो हमने 7 डेज आप सभी ने दिखा, मतलब पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा था अभी, आप सभी ने देखा होगा ना, 7 डेज में आपको ऐसा प्रिपेयर होना है, ऐसा प्रिपेयर होना है ना कि भाई छक्के छुड़ाने हैं सबके ना। हाँ, कुछ टूल्स है ना सारे इकट्ठे करने हैं, और जैसे रेड पड़ेगी ना, अगर आपने एक भी आपका विलेजर मर गया ना इसमें, एक भी विलेजर मर गया ना, तो आप गेम को लूज कर दोगे यार, मतलब हार जाओगे, विन नहीं कहोगे आप सभी, ऐसे है कुछ इसका पंडा ना, मज़ेदार है यार। तो भाई मरना नहीं है और अपने विलेजर को भी जिंदा रखना है, तभी आप इस मैप को जीत सकते हो यार। तो पर्सनली मैं अपना बताऊँ तो कुछ अलग है यार, मैंने काफ़ी सारे मैप्स ट्राई किए माइनक्राफ्ट पे, लेकिन ऐसा मैप मैंने अभी तक देखा नहीं था, तो काफ़ी अलग है, मेरे को पसंद आया ये वाला ना, ऐसे दिन करके देखते भाई दिन में दिखता कैसे ये वाला गाँव, अच्छा है भाई, नहीं इतना बुरा नहीं है। देखो ये क्या लिखा भाई, शेड्यूल वर्क, तो ये देखो ये अपने वर्क है ना पूरे करने लग गए, अपने जॉब पे निकल गए, ओके ओके अपने जॉब कर रहे, ओके ये क्या बेच रहा है भाई तू, क्या लेता है तू इसके बदले, ओके मेरे को अमरल दे रहा है, एक अमरल ले लिया मैंने इससे, कोई नहीं बात नहीं। देखो बच्चे भी निकला है, तो इसका फंडा सीधा सा ये समझ लो ना कि आप सबको 7 दिन में 7 दिन में ऐसा प्रिपेयर होना है ना कि भाई कुछ भी है ना, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपके विलेजर है ना मरने नहीं चाहिए, अगर विलेजर मर गए ना कोई मतलब नहीं निकलेगा यार, मैं ये बोलना चाहता हूँ ना, आप हार जाओगे। तो अगर आप इस मैप को डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप आराम से इस वाले मैप को डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, और दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो यार। और इसके बारे में, इसके अलावा मैं बात करूँ भाई, काफ़ी मज़ेदार है यार, पर्सनली मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, और भाई ना हमने काफ़ी सारे मैप्स ट्राई किए मैंने, लेकिन ये मैंने कुछ अलग देखा है ना, तो आप भी जरूर ट्राई करना इसको ना, और मेरे को बता सकते हो कमेंट बॉक्स में ये वाला मैप आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो बता देना, और बुरा लगा हो तो भी बता देना। मैप के बारे में मेरे को कुछ मत बोलना यार, बिना मतलब है ना। तो भाई आज की वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे ना, तो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना आज की वीडियो को, और आप न्यू हो और ये वाला वीडियो भी आपको पसंद आया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा मैं बात करूँ तो मेरे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हो, मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे माइनक्राफ्ट के वीडियोस बना रखे हैं ना, तो किसी के साथ भी जुड़िए, जरूर जुड़िए ना। तो यार मैं मिलूंगा आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में माइनक्राफ्ट के या फिर किसी और गेम के भाई, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।